इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब कि भाई इसमें होल्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे? सिग्मा। रेजिस्टिविटी क्या थी? रो। रो का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी सिग्मा, आपको सिग्मा निकालना है। ये डेरिवेशन भी आ सकती है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक सेमी कंडक्टर लेना है। सेमी कंडक्टर में आपने बैटरी अप्लाई करनी है। सेमी कंडक्टर की लेंथ इसमें एल है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ई, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे और होल भी मूव करेंगे। अब होल्स वैसे तो खाली बेंच या खाली सीटें होती हैं, पर लेकिन हम ये मानते हैं कि होल की मूवमेंट होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करती है। होल की मूवमेंट ऐसे नहीं कि बेंच मूव कर रहा है। अब इमेजिन करें, मैं इसको कहता हूँ इधर आ जा, तो अपनी जगह होल क्रिएट कर गया, तो होल उधर मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, होल इधर जाएगा। तो मान लो इलेक्ट्रॉन की इधर आने की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट है, और होल की इधर जाने की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ होल है, ड्रिफ्ट ऑफ होल्स है। तो इसमें पहला रिजल्ट क्या है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई किया, ई। ई किसके इक्वल है? डी वी बाई डी आर, पोटेंशियल डिफरेंस वी बाई एल। ठीक, तो ई इज इक्वल टू वी बाई एल, ई इज इक्वल टू वी बाई एल। पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद जो टोटल करंट है किसी भी सेमी कंडक्टर का, वो सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट है एंड होल करंट है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हमने किया था आई अपॉन एन ए ई, तो आई की वैल्यू क्या है, एन ए ई इंटू वी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। ऐसी होल के लिए होल करंट है, ये होल और ये भी होल की वेलोसिटी है ऐसे। तो एक बार मैंने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रॉनिक करंट निकाल लिया, होल करंट निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज। टोटल करंट इज सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड होल करंट, तो दोनों में ऐड कर दिया, ई इंटू ए कॉमन आ गया, तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आई के नीचे ए आ गया, आई के नीचे ए आ गया, तो आपके पास ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को संभाल के रखो। आई बाई ए की रेशियो मैं निकाल के देता हूँ कैसे। आपने पहली इक्वेशन बनाई थी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई एल, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और आपको ये इलेक्ट्रिसिटी से रिजल्ट पता है कि रो क्या होता है, आर ए बाई एल। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ई और रो को, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो एल से एल क्या हो गया, कैंसल। तो क्या आ गया, वी बाई आर ए, वी बाई आर क्या होता है, आई आई बाई ए। तो आई बाई ए की रेशियो क्या आ गई, ई बाई रो। तो आई बाई ए की जगह पुट करेंगे ई बाई रो, तो ये आपने पुट कर दिया ई बाई रो। तो नेक्स्ट स्टेप है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक डेफिनेशन की थी मोबिलिटी। मोबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय म्यू। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी म्यू होती है, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वी ई है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ऐसी होल के लिए भी मोबिलिटी क्या है, वी एच बाई ई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी ई की वैल्यू आ गई म्यू इंटू ई, यहां से भी म्यू इंटू ई। तो वी ई और वी एच की वैल्यू को यहां और यहां पुट करेंगे, जहां आपने क्या निकाला था, आई और ए की ई बाय रो की रेशियो, ये रही। तो हाँ, ई बाय रो की रेशियो, ई बाय रो की रेशियो में वी ई और वी एच की वैल्यू को पुट करते हैं, तो आपके पास ये टर्म आती है म्यू ई इंटू ई, म्यू एच इंटू ई कॉमन आ गया। ई से ई क्या हो गया, कैंसल। तो आपके पास क्या आ गया, वन बाय रो की वैल्यू आ गई। तो वन बाय रो की ये वैल्यू आ गई। तो आपने किया क्या, आपने सबसे पहले आपने आई बाय ए की रेशियो निकाल रखी थी, फिर आपने इनको डिवाइड करके आई बाय ए निकाल लिया। आई बाय ए को ये टर्म को रिप्लेस कर दिया ई बाय रो, ये रहा। वी और वी एच की वैल्यू को मोबिलिटी में पुट कर दी, तो मोबिलिटी में पुट करके ई और ई कैंसिल। तो वन बाय रेजिस्टिविटी, वन बाय रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी। तो सिग्मा का फॉर्मूला ये लिख लें, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी ना कभी आ सकता है, सिग्मा ऑफ अ सेमी कंडक्टर इसके इक्वल है। तो आपको सारी वैल्यूज गिवन होंगी, मोबिलिटी की भी, एन की भी, सब कुछ गिवन होगा, वहां से सिग्मा कैन बी कैलकुलेटेड।